नमस्कार, प्राइम टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। शुरुआत करते हैं 4 बजे की 4 बड़ी खबरों की। उत्तर प्रदेश में सत्ता का संग्राम अपने चरम पर है। सभी पार्टियों के बड़े बड़े नेता एक ही दिन में कई कई जिलों की सभाएं कर रहे हैं। इसी कड़ी में आज बुलंदशहर की विधानसभा भी है। आज अमित शाह से लेकर प्रियंका और अखिलेश और जयंत आज बुलंदशहर पहुंचे, जहां पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव और रालोद मुखिया जयंत चौधरी का बुलंदशहर, सियाना, अनूपशहर, शिकारपुर, खुर्जा और सिकंदराबाद में कार्यक्रम है, जहां दोनों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और साथ ही प्रदेश की भाजपा सरकार पर तीखे हमले भी बोले। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान अखिलेश ने कहा कि बुलंदशहर की घटना पूरे यूपी को चिंतित कर रही है। सरकार के लोग ये बताने में नहीं चूकते, लेकिन कानून व्यवस्था में पूरी तरह सबसे आगे है, सच कुछ और है। हाथरस में जो हुआ वो सरकार की नाकामी को दर्शाता है। बुलंदशहर में हुई घटना के आरोपी अभी खुलेआम घूम रहे हैं। दोषी कब पकड़े जाएंगे सरकार बताए। सरकार को पीड़ित लोगों की मदद करने के लिए आगे आना चाहिए। साथ ही अखिलेश ने कहा कि पूरे प्रदेश में बेटियां असुरक्षित हैं, यूपी में अपराधी खुलेआम घूम रहे हैं, डायल 100 को बर्बाद कर दिया गया है, किसानों की आय आधी हो गई है। साथ ही सरकार आने पर बदलाव का वादा भी किया अखिलेश ने, और कहा कि 300 यूनिट मुफ्त बिजली दी जाएगी, पुरानी पेंशन बहाली जैसी सुविधाएं देने की बात भी कही। इसके साथ ही विजय रथ यात्रा निकालकर अखिलेश और जयंत ने रोड शो भी किया। और इस खबर में वैसे ज्यादा बातचीत के लिए संवाददाता विभांशु जुड़ चुके हैं। विभांशु, जिस तरह से आज अखिलेश और जयंत ने पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस की, संयुक्त रूप से प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसके बाद रोड शो किया, चुनाव प्रचार किया, क्या कहेंगे? जी, अगर बात करें तो आज अखिलेश यादव और आरएलडी प्रमुख जयंत यादव का संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस और संयुक्त रैली थी, जिसमें वो बुलंद शहर और सियान, अनूप शहर, शिकारपुर और सिकंदराबाद और खुर्जा समेत अन्य जगहों पे रैली किए। अपनी विजय यात्रा जो बस है उसको लेकर इन जगहों पे गए और वहां की प्रत्याशियों के लिए वोट मांगना और साथ ही साथ समाजवादी पार्टी का जनाधार बनाने का काम किए। वहीं संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस की बात करें तो अखिलेश आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में सरकार को पूरा निशाना लगाते हुए, साथ ही साथ वहां जयंत चौधरी मौजूद थे, जिन जयंत चौधरी का साफ तौर पे कहना था कि आपकी सरकार में गर्मी आती है, हमारी सरकार में भर्ती आएगी। और साथ ही साथ उन्होंने बोला कि जो सरकार के द्वारा जो 11 लाख रिक्त पद हैं, हम अगर सरकार में आते हैं तो उसको भरेंगे, और साथ ही साथ किसान खुशहाल होगा और युवाओं को रोजगार होगा, और जो 300 यूनिट बिजली फ्री की बात की गई है, जो शुरुआती 300 यूनिट बिजली फ्री समाजवादी सरकार अपनी मैनिफेस्टो में रखी है, उसको भी, उस पर भी सवाल उठाया गया और बताया गया कि हम आएंगे तो करेंगे, और किसानों के लिए मुफ्त बिजली जो है उसका भी प्रावधान किया जाएगा। जी शिखा, विभाषण, जिस तरह से बेटियों को असुरक्षित बताया गया है और अखिलेश ने कहा कि डायल 100 को बर्बाद कर दिया गया, क्या कहेंगे इस पर? जी, अखिलेश यादव की तरफ से बताया गया कि डायल 100 को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया गया, और उन्होंने सवाल ये भी खड़ा किया कि डायल 100 और जो एम्बुलेंस सुविधा जो समाजवादी की सरकार के द्वारा किया गया था, उन दोनों को एक साथ करके इसको पूरी तरह से बर्बाद कर दिया, ऐसा अखिलेश यादव का कहना है। और जिसमें उन्होंने हाथरस की भी घटना और की जिक्र करते हुए बताया कि प्रदेश में बहन बेटियां सुरक्षित नहीं है, और ये सरकार सुशासन की बात करती है मगर ये पूरी तरह फेल है। अब उनके द्वारा कहा गया कि अगर हम सत्ता में आते हैं तो महिलाओं और बेटियों के लिए, खासकर उनकी सुरक्षा के लिए काम करेंगे। जय शिखा। विभाषो, जिस तरह से 300 यूनिट मुफ्त बिजली देने की बात कही जा रही है, पुरानी पेंशन बहाली की बात कही जा रही है, तो क्या सत्ता में आने के बाद ये वादे पूरे करे जाएंगे या सिर्फ ये चुनावी वादे हैं? जी, ऐसा तो सरकार बनने के बाद पता चलेगा, मगर अखिलेश यादव की तरफ से कहा जा रहा है, आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा गया कि जो पेंशन योजना था, जो पेंशन प्रणाली थी, उसको फिर से लागू किया जाएगा, और साथ ही साथ जो समाजवादी पेंशन योजना था उसको भी लागू किया जाएगा, सावित्री फूले वाई जो स्कॉलरशिप योजना थी उसको भी लाया जाएगा,
और फिर से लैपटॉप बांटे जाएंगे, युवाओं के हाथ में हम लैपटॉप देंगे जिससे वो अपने भविष्य के लिए अच्छा काम कर सके और उनके शिक्षा में अच्छा योगदान रहेगा लैपटॉप से। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तमाम जानकारी के लिए इस खबर पर हमारे संवाददाता विभांशु मणि त्रिपाठी जुड़े थे। तो आज अखिलेश ने सरकार पर जमकर निशाना साधा और साथ ही कहा कई लुभावने वादे करते हुए भी नजर आए। रुक करते अगली बड़ी खबर की तरफ। आज अमित शाह बुलंदशहर के डिबाई में चुनावी प्रचार करते हुए नजर आए। उन्होंने सरकार की उपलब्धियां गिनाते हुए बताया कि कोरोना काल में सरकार गरीबों को मुफ्त अनाज दे रही है। यूपी में 15 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन दिया गया। गंगा एक्सप्रेसवे को सरकार ने डिबाई से जोड़ दिया। डिबाई के गांवों को आदर्श ग्राम योजना के लिए दिया गया और डिबाई में 100 बेड का नया अस्पताल भी बनाने की बात कही गई है। उन्होंने कहा कि हमने डिबाई के लोगों की मांग पूरी की है। जिसके बाद अखिलेश पर तंज कसते हुए शाह ने कहा कि अखिलेश जी कहते थे मंदिर वहीं बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे। मोदी सरकार ने तारीख बताई, अब मंदिर बनवा रहे हैं। साथ ही शाह ने कहा कि हमारी सरकार ने कश्मीर से धारा 370 हटाई। साथ ही कांग्रेस पर निशाना साधते हुए शाह ने कहा कि कांग्रेस सरकार में बसपा सपा समर्थन करती थी। मनमोहन सरकार को पर्दे के पीछे से सोनिया चलाती थी। सीएम योगी की तारीफ करते हुए शाह ने कहा कि यूपी में सीएम योगी ने काफी काम किए हैं। प्रदेश के 10 शहरों में मेट्रो चलाने का काम भी जारी है। तो विपक्ष पर जमकर निशाना साधते हुए नजर आए हैं आज अमित शाह। और इसी खबर पर हमारे से ज्यादा बातचीत के लिए संवाददाता विभांशु जुड़े हुए हैं। विभांशु, शाह ने आज विपक्षी सरकारों पर और जितनी भी पार्टियां हैं उन पर निशाना साधा, वो चाहे कांग्रेस हो, सपा हो, बसपा हो, सब पे निशाना साधते हुए नजर आए हैं। क्या कहेंगे, जिस तरह से सपा को आड़े हाथों लिया है और कई बातें बोली, क्या कहेंगे? जी, आज दोपहर अमित शाह जो कि देश के गृह मंत्री हैं वो अनूप शहर पहुंचते हैं। वहां वो जनसभा को संबोधित करते हैं और वहां पे वो पूरी विपक्ष को निशाना साधते हुए कहा कि अगर कांग्रेस में कांग्रेस सत्ता में रहती थी केंद्र के, तो उस दौरान सपा और बसपा पूरी तरह से उनके साथ चुप्पी साध के बस शासन के लिए उनके साथ रहती थी कि उन्हें मंत्रिमंडल पद मिल जाए। और पूरी तरह से बोलते हुए कहा कि अगर जो और वही जो तत्कालीन सरकार है, योगी सरकार है, उसकी तारीफ करते हुए बताया कि जो योगी सरकार है उनमें माफिया उत्तर प्रदेश से पलायन कर चुके हैं। और योगी जी की सरकार में, अमित शाह का कहना है कि योगी जी की सरकार में हमने मुफ्त राशन बांटा कोविड के टाइम में, और किसान सम्मान निधि और प्रधानमंत्री आवास को पूरे सुसज्जित तरीके से गरीबों के अंदर में बांटा गया। और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि ये जो सपा सरकार जब होती थी सत्ता में, तब माफियाओं का राज रहता था, ऐसा अमित शाह का कहना। जी सिखा विभाषु, जिस तरह से आज कई बड़े दिग्गज नेता एक ही साथ जनसभा करते हुए नजर आए, चुनावी प्रचार करते हुए नजर आए, तो इसका कितना असर पड़ेगा बुलंदशहर पे? क्योंकि अमित शाह भी थे, जयंत अखिलेश भी थे और दूसरी तरफ प्रियंका गांधी भी, तीनों एक ही साथ एक ही समय पे जब बुलंदशहर में रहे, तो कितना असर पड़ सकता है इस चुनाव पे? जी, अगर बात करें तो पहले फेज का चुनाव जो पश्चिम में होना है, इसको लेकर चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे बसपा हो, चाहे कांग्रेस, चाहे आपकी भाजपा, वो पूरा अपना दमखम पहले जो फेज का चुनाव है वहां लगा चुकी है। वहीं अगर बात की जाए तो पहले फेज में 58 सीटों पे चुनाव होना है, जिसमें से 53 सीटें भाजपा के पास है। वहीं जो राजनीतिक विश्लेषक हैं उनके द्वारा बताया जा रहा है कि इस बार आरएलडी और सपा का जो गठबंधन है वो कहीं ना कहीं कारगर साबित हो रहा है, और भाजपा की भी सर्वे एजेंसी के द्वारा बताया जा रहा है। इसको देखते हुए जो भाजपा के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष और देश के गृह मंत्री अमित शाह आए दिन बयान दे रहे हैं, आज का उन्होंने दौरा किया, ये दौरे के साफ संदेश ये है कि वो पश्चिम से मजबूती बनाना चाहते हैं, जिसमें आपने देखा कि डोर टू डोर कैंपेन की शुरुआत अमित शाह ने कैराना से की और पलायन का मुद्दा उठाया। वहीं आगरा में योगी आदित्यनाथ ने महज कुछ दिन पहले सभा की थी और इन्हीं सब मुद्दों को पे घेरा था। वहीं इस बार आप देख रहे हैं कि किसान आंदोलन के बाद से जयंत चौधरी के साथ काफी अच्छा खासा जनाधार देखने को मिल रहा है। अब वही आरएलडी जो अपना वजूद खो बैठी थी पिछले 10 सालों में, वो फिर से उसकी लालसा दिख रही है कि वो इस बार अच्छा प्रदर्शन कर लेगी, वो आने वाले 10 मार्च को पता चलेगा। इन सब चीजों को देखते हुए भाजपा की सर्वे एजेंसी जो है
वो पूरा जो केंद्रीय एजेंसियां हैं उनको, जो भाजपा की केंद्रीय एजेंसियां उनको बताती है। और इसको देखते हुए पूरा दमखम पश्चिम में लगा दिया गया। अब आने वाला 10 मार्च को पता चलेगा कि ये जो चुनावी रैलियां की जा रही है इसका क्या नतीजा निकलेगा और किसान किसके साथ है। वही किसानों की बड़ाई करते हुए अमित शाह ने कहा कि किसानों को बरगलाया जा रहा है और किसान सम्मान निधि देकर हम किसानों को प्रोत्साहन राशि दे रहे हैं, जिससे कई मुद्दे उठाए जा रहे हैं किसानों का भी मुद्दा और सभी दल एक साथ अपनी पूरी ताकत झोंक रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए विभांशु और तमाम जानकारी के लिए। तो बुलंदशहर में सभी बड़े नेता आज नजर आए चुनावी प्रचार करते हुए देखने को मिले। रुक करते अगली खबर की तरफ। बिजनौर सदर विधानसभा 22 सीट से राष्ट्रीय लोकदल गठबंधन के उम्मीदवार डॉक्टर नीरज चौधरी के खिलाफ बिजनौर थाने में मुकदमा दर्ज किया गया है। डॉक्टर नीरज पर आरोप लगा है कि चुनाव प्रचार के दौरान उनकी उपस्थिति में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए गए हैं। इसकी वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई है। पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए रालोद प्रत्याशी डॉक्टर नीरज चौधरी और अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है। सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें बिजनौर सदर से गठबंधन प्रत्याशी की मौजूदगी में उपस्थिति में आपत्तिजनक नारे लगाए जा रहे हैं। इसका संज्ञान लेते हुए तत्काल कोतवाली नगर बिजनौर में सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत करा दिया गया है। अन्य विधिक कार्यवाही प्रचलित। सोशल मीडिया पर एक वीडियो। इस खबर पर हमारे साथ ज्यादा बातचीत के लिए संवाददाता तुषार शर्मा जुड़ चुके हैं। तुषार, जिस तरह से ये पाकिस्तानी नारे लगाए जा रहे भारत में रहते हुए और चुनावी माहौल है, क्या कहेंगे इस पे? सीट से बिजनौर के जो प्रत्याशी हैं डॉक्टर नीरज चौधरी, कल देर रात उनकी एक जनसभा थी। जनसभा के दौरान उन्होंने जनसंपर्क किया। जनसंपर्क के दौरान कुछ शरारती युवकों ने वहां पर पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए, जिसको देखते हुए पुलिस ने तत्काल प्रत्याशी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है और साथ ही 20 से 25 अज्ञात लोगों के खिलाफ पुलिस द्वारा मुकदमा दर्ज किया गया है। जी, ऐसे लोगों को चिन्हित करके इनके ऊपर क्या कुछ कार्रवाई की जाएगी तुषार? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि पुलिस द्वारा जो कार्रवाई की गई है प्रत्याशी और 20 से 25 अज्ञात लोगों के खिलाफ जो कार्रवाई की गई है वो 124A और 153A की कार्रवाई की गई है। 295A/171A और धारा 3 महामारी अधिनियम के तहत पुलिस द्वारा कार्रवाई की गई है। वहीं उसके बाद जो सपा रालोद गठबंधन के जो डॉक्टर नीरज चौधरी प्रत्याशी है, उन्होंने एक प्रेस वार्ता आनंद फानंद में आयोजित की। प्रेस वार्ता कर उन्होंने ये जो सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हुई है इसको गलत बताया और उन्होंने कहा है कि ये जो वीडियो वायरल की गई है ये शरारती तत्वों द्वारा वीडियो वायरल की गई थी और इसकी जांच की मांग की है। और जिन लोगों ने सोशल मीडिया पर वायरल की है उनके खिलाफ भी कार्यवाही की मांग की है। उन्होंने ये कहा है कि वहां पर जो युवक थे उन्होंने सिर्फ नीरज चौधरी जिंदाबाद और आकिफ अंसारी जिंदाबाद के नारे लगाए हैं, पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे इस वीडियो में नहीं लगाए गए हैं। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए। इस खबर पर हमारे साथ संवाददाता तुषार जुड़े थे। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। खबर अलीगढ़ से है जहां पर एक अनोखा मामला सामने आया है। चुनाव चिन्ह जूते को देखकर सभी लोग ठहाके मारते हुए नजर आ रहे हैं। चुनाव चिन्ह में जूता मिलने के बाद भी प्रत्याशी के मनोबल कम होता नहीं दिख रहा है। वहीं प्रत्याशी की तरफ से प्रचार करने के लिए गले में जूतों की माला डालकर लोगों को लुभाने का काम किया जा रहा है। वहीं दूसरी ओर केशव के तरफ से भाजपा नेताओं पर डराने और धमकाने का आरोप भी लगाया गया है। तो जूते की माला डालकर लोगों को लुभाने की कोशिश की जा रही है। चुनाव चिन्ह जूता मिला है जिसकी वजह से काफी हास्यात्मक हो गई है परिस्थिति। लोग हंसते हुए नजर आ रहे हैं और ऐसी तस्वीरें भी सामने आ रही है, लेकिन जो प्रत्याशी है उनका मनोबल कहीं भी डगमगाता नहीं नजर आ रहा है। अलीगढ़ से ये खबर सामने आ रही है जहां ये अनोखा मामला सामने आया है। चुनाव चिन्ह जूता देख कर लोग ठहाके मारते हुए नजर आ रहे हैं। चुनाव चिन्ह में जूता मिलने के बाद प्रत्याशी के मनोबल में कोई कमी नहीं दिखाई दे रही है और प्रत्याशी प्रचार करने के लिए गले में जूते की माला डालकर लोगों को लुभाने का काम भी कर रहा है। तस्वीरें देख सकते हैं आप किस तरह से गले में जूता डाला हुआ है। 4:04 बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी।
आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।